हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं जो QR कोड है उसको आप घर पर कैसे मंगवा सकते हैं। आपका कोई प्राइवेट बिजनेस है या आप की कोई शॉप है तो उसके लिए आपको जो QR कोड है वो घर पर फ्री में कैसे मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है गूगल पे बिजनेस। वो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर आप टाइप करेंगे गूगल पे बिजनेस। टाइप करने के बाद आपके सामने एक गूगल पे बिजनेस एप्लीकेशन आ जाएगी। जैसे मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन करता हूँ अभी। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप जीमेल आईडी अपनी फिल कर दिए। उसके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा ऐड न्यू बिजनेस, जहाँ पर आप अपना बिजनेस का जो डिटेल है वो फिल करेंगे। जैसे मेरा बिजनेस है कोई शॉप है, तो आप शॉप आपका कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो उसका डाल सकते हैं। जैसे बिजनेस ओनर नेम, पहले आप बिजनेस ओनर नेम डालेंगे। जैसे आपकी कोई शॉप है तो आप अपना नाम इसमें डाल सकते हैं, और आपका कोई प्राइवेट बिजनेस है तो उस के जो मालिक हैं तो आप उसका नाम इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैं इसमें अभी फिल कर रहा हूँ मनदीप कुमार, जैसे मैं इसमें फिल कर दिया मनदीप कुमार। नीचे मैं शॉप नेम फिल कर देता हूँ मोबाइल हट, और नीचे रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। जैसे QR कोड होता है उसमें जो कोई कस्टमर आपको पैसे पे कर रहा है तो उसके सामने कौन सा नेम शो हो वो आप इसमें डाल दीजिए। जैसे मोबाइल हट में इसमें मैं ये डाल देता हूँ। नीचे अगर टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका स्टिकर है जो वो घर पर आ जाएगा, पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी आपके सामने है इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट कर ली है, और उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, इसमें देख सकते हैं आप। इसमें भी वही कंडीशन है, आप इसमें भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रोसरी है, फूड एंड रेस्टोरेंट है, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर कोई भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें जे सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद नीचे वाले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं आपका जो थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करने के बाद एक पेज और ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना पिन कोड है जो एरिया का वो आप इसमें फिल करेंगे। आपकी क्या लोकेशन है, जैसे मैंने पिन कोड इसमें फिल कर दिया है अपना, तो नीचे आप शॉप नंबर एंड स्ट्रीट नेम, आपकी क्या शॉप नंबर है वो आप इसमें लिख देना, और क्या आपकी स्ट्रीट नेम है वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें आपका शॉप नंबर, मैं अपना शॉप नंबर लिख दिया है, और नीचे एरिया आपका विलेज है जहाँ पर टाउन में रहते हैं, आपकी लोकेशन कहाँ है आपकी शॉप की या आपकी बिजनेस की वो आप इसमें लिख सकते हैं। और नीचे आएगा कन्फर्म ऑन मैप। अब जब कन्फर्म ऑन मैप पर करेंगे तो आपकी लोकेशन अपने आप आपके सामने आ जाएगी, वहाँ पर आप कन्फर्म कर देना। जैसे जहाँ पर आप की लोकेशन है शॉप की या प्राइवेट बिजनेस की, वहाँ आप क्लिक कर देना। जैसे मैंने क्लिक कर दिया है और कन्फर्म कर दिया है, और इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिस पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। जैसे मैंने इस पर मोबाइल नंबर फिल कर दिया। मोबाइल नंबर वो ही फिल करना है जो आपका बैंक अकाउंट अकाउंट से जुड़ा है। जैसे मैंने ये फिल कर दिया, आप जहाँ पर एक OTP आएगी, वेरीफाई OTP होने के बाद एक पेज और ओपन हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि आप अपना पैन कार्ड,
की जो डिटेल है वो फिल करनी है। जैसे ओटीपी आने के बाद जहाँ पर आप अपलोड फ़ोटो करेंगे पैन कार्ड की, और नीचे आप पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। आप नीचे जीएसटी नंबर आपके पास है तो कर सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर कर दिया है, और मैं जहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करूँगा, अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद टेग फ़ोटो पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा और आप जहाँ पर अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो सिलेक्ट हो गई तो आप नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आ गया बैंक अकाउंट नंबर। आप जहां पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है, नीचे आईएफएससी कोड करने के बाद आप फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद आपके सामने आपकी जो बैंक है वो वेरीफाई हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है। वेरीफाई अकाउंट होने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं। अभी फाइंड नहीं हो रहा, मैंने जे आईएफएससी कोड डाल दिया और फाइंड कर दिया। इसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मेरा अकाउंट अभी वेरीफाई हो रहा है, देखिए मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है, और इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने समरी आ जाएगी। जो आपके सामने समरी आ गई, जिस पर आप दे आपकी सारी डिटेल है, आप जहाँ पर क्लिक करके इसको जे कोई गलत है तो आप इसको सही कर सकते हैं। और उसके बाद एक आपने के सामने ब्लू टिक आ जाएगी, आपका अकाउंट है जो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकते हैं, और सपोर्ट नंबर है कस्टमर का वो आप कर इसके साथ आप कस्टमर से आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको कोई दिक्कत आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नाल बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।